अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने आउटलुक में स्टेशनरी कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, न्यू ईमेल, यहाँ पर देखें, अब मेरे पास एक ये टेक्स्ट बॉक्स है, मैं इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ। कलर्स यहाँ मैं वायलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, पेज कलर, यहाँ पर मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ जो कि मेरे लोगो को सूट करे। मैं इसको हल्का सा ग्रे ले लेता हूँ। यहाँ पर देखें, अब मैं जाऊँगा इंसर्ट पिक्चर, यहाँ पर ये मेरा लोगो, मैं इसको छोटा करके इस तरह को कर लेता हूँ कि मेरे बुरा ना लगे। यहाँ पर देखें, मैं अपने सिग्नेचर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मेरे यहाँ पर लोगो है, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ एज ए स्टेशनरी। यहाँ पर देखें, फाइल सेव एज, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें की मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट स्टॉप, और यहाँ पर देखें, इधर जाऊँगा, इधर जाके परसेंटेज ऐप डाटा परसेंटेज बैकस्लैश माइक्रोसॉफ्ट बैकस्लैश स्टेशनरी, इसको मैं दे देता हूँ लोगो, और यहाँ पर जाके मैं सेव एज एचटीएमएल कर दूँगा। यहाँ पर सेव, ये सेव हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ अपने ईमेल को। अब अगर मुझे इसको यहाँ पर देखिए ईमेल बनानी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यू आइटम्स के ऑप्शन है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए, ईमेल यूजिंग मोर स्टेशनरी, इधर जाऊँगा, ये मेरा मेन्यू ओपन हो गया है। यहाँ पर देखें, डिफरेंट टाइप के उन्होंने स्टेशनरीज दी हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं अपना ईमेल को डिज़ाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जाऊँगा और लोगो, ये देखें, ये वही लोगो है जो कि मैंने डिज़ाइन किया था, ये मेरा स्टेशनरी सेव हो गया है।